अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन में अब डिबेट की तारीख को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें बदलने की मांग को लेकर हिलरी क्लिंटन पर निशाना साधा तो अब हिलरी ने कहा है कि ये प्रोग्राम साल भर पहले से ही तय हो गया था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में उतरे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के बीच क्या सीधी बहस होगी? सवाल इसलिए क्योंकि इस बार इसके टूटने का खतरा मंडरा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बहस के लिए तय की गई तारीख को लेकर हिलरी क्लिंटन पर निशाना साधा है तो अब हिलरी क्लिंटन ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार करते हुए उन्हें जवाब दिया है कि ये प्रोग्राम साल भर पहले ही तय कर लिया गया था। बहस का ये मंच एक निर्दलीय स्वतंत्र कमीशन के द्वारा आयोजित किया तैयार किया जाता है, ठीक है, और मुझे कहा था कि इसे साल के अंत में ही तय कर लिया गया था। उस वक्त तक ये भी तय नहीं था कि उम्मीदवार कौन होगा, कौन प्रचार करेगा। मैं बस इतना कहूंगी कि मैं वहाँ मौजूद होंगी। आपको बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बहस की तारीखों पर आपत्ति जताते हुए बदलाव की मांग की थी। हालांकि बहस का आयोजन करने वाले आयोग ने कार्यक्रम में किसी भी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया है। इस बहस के लिए 26 सितंबर, 9 अक्टूबर और 19 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। 1976, 1980 और 1984 में सीधी बहस का आयोजन विवादित होने के बाद रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी ने 1987 में इसके लिए आयोग का गठन किया था।